साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे 550 साल प्रकाश पूरब नूं लै के तैयारियां भारत विच पूरे जोरां नाल चल रही हैं। इस मौके केंद्र सरकार वल्लों एक स्पैशल रेल गड्डी गुरु नानक साहिब के पवित्र स्थान सुल्तानपुर लोधी लई भी रवाना की गई है, जो दिल्ली तो लोईयां हुंदे हुए वाया सुल्तानपुर जाएगी। सरबत दा भला एक्सप्रैस के गुरनगरी सुल्तानपुर लोधी स्टेशन पुजण ते भरमा स्वागत किया गया। जयकारिया के विचकार SGPC प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ते संगतां वल्लों इसका स्वागत किया गया। सरबत दा भला एक्सप्रैस के पुजण ते भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने कहा कि सूबा अते केंद्र सरकार तो इलावा SGPC के यतना सदका ही सरबत दा भला एक्सप्रैस ट्रेन चालू हुई है, जो संगतां नूं आने वाले दिनों विच वड्डे लाभ पहुँचावेगी। उत्थे ही जदों इस रेल गड्डी दे चलण बारे संगतां नाल गलबात की गई तां संगतां भी इस मौके ते बेहद खुश नज़र आईयां। सरबत दा भला मंगण वाले साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब उत्ते सरबत दा भला एक्सप्रैस दा चलना संगतां लई इक वड्डा तोहफा है, जो आने वाले दिनों विच उन्हां नूं कई सहूलतां प्रदान करेगा। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਗਰਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ। ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਚੱਕਣਾ, ਬਸ ਇਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਜਰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। गाड़ी फुल भर के आई है दिल्ली से, और हर जगह बहुत बढ़िया स्वागत किया है संगत का, तो मेरे को इतना गौरव हो रहा है, जिंदगी में पहली बार मेरे को इस ट्रेन का सौभाग्य मिला लाने के लिए। श्री गुरु नानक देव जी की सो बहुत ही खुशी की गल है कि श्री गुरु नानक देव साहब जी के 550 साल प्रकाश पुरब को मुख रखते हुए अज जी सरबत दा भला एक्सप्रैस ट्रेन दिल्ली तो आरंभ चल के अज इतने सुल्तानपुर लोधी पहुंची है। बहुत सारिया जो श्रद्धालु ने वो आए ने। सब तो पहला मैं इस गल का बीबी हरसिमरत कौर बादल जेडे केंद्रीय मंत्री ने उन्हों का धन्यवाद करदा, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, रेलवे मंत्री जी का धन्यवाद करदा, जिन्होंने श्री गुरु नानक देव साहब महाराज के 550 साल प्रकाश पुरब मुख रखते हुए ये एक बहुत बड़ी श्रद्धालुओं वास्ते एक सहूलत दी है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ने जिहड़िया नानक नाम लिवा संगत ने और सुल्तानपुर लोधी की पावन धरती जिथे श्री गुरु नानक देव साहब महाराज ने 14 साल तो वध समा अपने जीवन का गुजारिया है, इतों के दर्शन करने वास्ते बहुत उतावलियां ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत सारे जिहड़े प्रोग्राम ने वो सुल्तानपुर लोधी दे विखे बहुत सारे लिखे गए ने, 1 नवंबर तो लगातार 13 नवंबर तक चलणगे, वख वख रोज़ ही श्रद्धालुओं की जिहड़ी आमद और वधदी जा रही है। मैं समझदा कि ये जिहड़ी सरबत दा भला ट्रेन चली है श्रद्धालुओं के वास्ते बहुत वड्डी एक सहूलत होएगी, इस करके मैं धन्नवादी हाँ, और बड़ी खुशी की भी गल भी है कि क्योंकि मैं सारे सूबे गया, बहुत सारे गुरमत समागम भी होए बख सूबे उतो, हमेशा ही मंगा होनिया सियाँ कि बद तो ट्रेन जड़िया ने सुल्तानपुर लोधी चलाई जा कि श्रद्धालु खुले तौर पर उसे जा सकन। प्रधान साहब, ये जरा ट्रेन चली है भारत के सूबा सरकार दोनों का ही असं तो मानते हैं साझा है, लेकिन सूबा सरकार कह रही है कि CM साहब ने प्रयास किए हैं, तो तुम की मानते हो कि इदा की कोई गल है? देखो, मैं समझता कि श्री गुरु नानक देव साहब सब के सांझे सन, उन्होंने 550 साल प्रकाश पुरब आ रहा है, और जिन्या भी संगत अपने तौर पर जो भी सेवा कर रही ने, जो भी हिस्सा पा रही, भावें पंजाब सरकार है और श्रोमणी कमेटी है, भारत सरकार है, जो सिख जथेबंद ने, मैं सारे का ही धन्यवाद करदा कि सारी इस पुरब को लेकर सारे आपो अपना योगदान जिहड़ा हर एक वल्लों पाया जा रहा। कपूरथला तो इंदरजीत सिंह की स्पैशल रिपोर्ट के नाल ब्यूरो रिपोर्ट TV NRI।